सर्दी का मौसम था। चीनू चिड़िया के बच्चे सो रहे थे और वो अपने शोहर के लिए खाना तैयार कर रही थी। चीनू चिड़िया का शोहर बहुत सख्त था, इसीलिए वो बहुत एहतियात से खाना बना रही थी कि कहीं नमक मिर्च ज्यादा या कम न हो जाए। अल्लाह करे कि हंडिया अच्छी बने, वरना सोनू मोनू के पप्पा तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। थोड़ी देर बाद चीनू का शोहर घर आ जाता है। जी मैं खाना लगा दूं आपके लिए? ये भी कोई पूछने की बात है भला, जाहिर है थका हारा काम से आया हूँ, खाना तो खाऊंगा ना। तुम्हें तो इतनी भी अकल नहीं कि पहले पानी पूछते हैं जो बाहर से आए? नहीं, वो दरअसल बाहर बहुत सर्दी का मौसम है ना, इसलिए मैंने पानी नहीं पूछा पहले। चलिए मैं पानी ले आती हूँ आपके लिए। चीनू उसके लिए पानी लेकर आती है। अरे ये कैसा पानी है, पानी का टेस्ट तो बहुत खराब लग रहा है। लगता है तुम ग्लास धोकर पानी नहीं लेकर आई, बस तुम तो हर काम से जान छुड़ाती हो। नहीं नहीं जी, मैं तो ग्लास धोकर पानी लेकर आई हूँ आपके लिए। हाँ बस आगे से बहाने बनाने तो तुम्हें बहुत आते हैं। बस इसी तरह उसका शोहर उसकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढता रहता था। चीनू उसके लिए खाना लगाती है और वो खाना खाने बैठ जाता है। जी आपने बताया नहीं खाना कैसा बना है। हाँ बस ठीक ही है। अच्छा मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम या बच्चे आकर मेरी नींद खराब मत करना, तुम लोग वैसे भी बहुत शोर मचाते हो। ये कहकर बंटी चिड़ा सोने के लिए चला जाता है। सोनू अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा पापा आपसे हमेशा सख्त लहजे में बात क्यों करते हैं? ना कभी आपके खाने की तारीफ करते हैं और ना ही कभी खुश होकर किसी से बात करते हैं, बस हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं। दरअसल बेटा तुम्हारे पापा काम से थके हुए आते हैं ना, उनका काम है भी बहुत, सारा दिन काम कर करके वो थक जाते हैं, इसीलिए जरा उखड़े उखड़े से रहते हैं। लेकिन मम्मा आप भी तो सारा दिन काम करती हैं, आप भी तो सुबह से शाम तक काम ही करती रहती हैं। लेकिन आप तो गुस्सा नहीं करती पापा पे, ना ही हम पे बिला वजह गुस्सा करती हैं। सोनू के सवालों का चीनू के पास कोई जवाब नहीं था। रात को बच्चे सो जाते और चीनू बहुत घंटों तक अपने शोहर के रवैये की वजह से रोती रहती। पता नहीं सोनू मोनू के पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं, उन्होंने तो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की, हमेशा बस गुस्सा ही करते रहते हैं। उन्होंने तो कभी बच्चियों से भी अच्छे तरीके से बात नहीं की, मेरी बच्चियां भी ये बात महसूस करती हैं। अल्लाह करे कि उनका रवैया हमारे साथ ठीक हो जाए। चीनू इसी तरह हर रात रोते हुए सोती। सुबह मामूल के मुताबिक बंटी चिड़ा काम पर चला जाता है। बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर दरवाजे पर चीनू की बहन खड़ी थी। चीनू उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे पिंकी मेरी बहन, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आओ आओ अंदर आओ। वो सुनाओ पिंकी कैसी हो तुम, मम्मी पापा और चुटकी कैसे हैं, सब ठीक है ना? हाँ हाँ बाजी सब ठीक है, आपको सब बहुत याद करते हैं, इतना अरसा हो गया है आपसे मिले हुए। बंटी भैया के रवैये की वजह से कोई आपके घर नहीं आता, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को तो नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। हाँ अच्छा किया ना तुमने, तुम तो जानती हो ना सोनू मोनू के पापा मुझे कहीं नहीं जाने देते, उनको पसंद नहीं है मेरा घर से बाहर जाना। इसका मतलब बंटी भैया अभी भी वैसे ही हैं, मुझे लगा वक्त के साथ साथ कुछ बदल गए होंगे। नहीं उनकी आदत का तो तुम्हें पता है, वो कभी नहीं बदल सकते। उनको मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी मेरी बात नहीं समझते, उल्टा मुझसे लड़ने लगते हैं, फिर बच्चियाँ भी परेशान हो जाती हैं, इसलिए मैं उनसे बात ही नहीं करती इस बारे में। बाजी तुम भी तो ये घर नहीं छोड़ती ना, तुम्हें कितनी दफा बोला है कि छोड़ो ये घर और सोनू मोनू को लेकर हमारी तरफ आ जाओ। नहीं मेरी बहन, अपना घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। वो अपनी बहन से खूब बातें करके अपना जी हल्का कर लेती है। अच्छा बाजी अब मैं चलती हूँ, बहुत वक्त हो गया, बंटी भैया वैसे भी मुझे देखकर कोई हास खुश नहीं होंगे, आपको तो उनकी आदत का पता है, इसलिए मैं उनके आने से पहले ही चली जाऊँ बेहतर है।
आज शाम बंटी चिड़िया अपनी बेटियों के लिए कुछ खिलौने लेकर आता है। सोनू मोनू आओ देखो, मैं तुम लोगों के लिए खिलौने लेकर आया हूँ। सोनू मोनू पापा की आवाज पर बाहर आती है, लेकिन वो खिलौने देखकर कुछ आश्वस्त नहीं होती। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम लोगों को खिलौने पसंद नहीं आए क्या? बस ठीक ही है। इसका मतलब खिलौने तुम लोगों को पसंद नहीं आए, आइंदा नहीं लेकर आऊंगा तुम लोगों के लिए। हाँ ठीक है, मत लेके आना। वैसे भी हम खिलौनों के लिए कोई मरे तो नहीं जा रहे। अरे ये तुम लोग किस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? बाप के साथ बात करने की तमीज नहीं है तुम लोगों को? आप भी तो मम्मा से ऐसे ही बात करती हैं हमेशा, आप ही से सीखा है हमने। ये कहकर सोनू मोनू चली जाती है। आज बंटी चिड़िया को एहसास होता है कि मेरे बुरे रवैये का असर मेरे बच्चों पर भी हो रहा है। चीनू इस सब से बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा कि अब वो बच्चों का गुस्सा उस पर निकालेगा, लेकिन इस बार बंटी गुस्सा करने के बजाय बिल्कुल खामोश हो गया। अजीब, बच्चियों को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उन्हें समझाऊंगी, पहली बार उन्होंने आपसे ऐसे बात की है, बच्चियाँ समझ कर इन्हें माफ कर दें। नहीं चीनू, तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे आज एहसास हुआ है कि मेरे बुरे रवैये का असर मेरे बच्चों पर भी हो रहा है। सोनू मोनू तो आज बिल्कुल मेरे लहजे में मुझसे बात कर रही थी और मुझे बहुत बुरा लगा। इसी तरह मैं जब तुमसे बुरे लहजे में बात करता हूँ तो तुम्हें भी बुरा लगता होगा, मुझे माफ कर दो। जी मैं आपको यही बात तो समझाती थी कि वालदैन की शख्सियत का बच्चों पर बहुत असर होता है। मैं ये नहीं कहती कि सोनू मोनू ने आपके साथ बदतमीजी करके अच्छा किया है। मैं उन्हें समझाऊंगी पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम आपस में अच्छे से नहीं रहेंगे तो बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे कि एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा तुमसे इस लहजे में कभी बात नहीं करूँगा। बंटी चिड़िया को एहसास हो जाता है और वो आइंदा अपनी बीवी बच्चों से कभी बुरे लहजे में बात नहीं करता।